सो हे गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आपका पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीस के एपिसोड 44 में, जो कि है एम टू बी ए पोकेमॉन मास्टर सीरीज का एपिसोड 2 है। एक्चुअली एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि ऐश ट्रैवल करते करते एक सी के पास आ जाते हैं, जिसके बाद ऐश को बहुत ही अच्छा लगता है और ऐश सोचते हैं कि सारे पोकेमॉन को निकल के यहाँ पे मस्ती किया जाए। उसके बाद ऐश सभी पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं और मस्ती करने लगते हैं। ऐश के सारे पोकेमॉन यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, लेकिन कॉर्फिश ज्यादा ही इंजॉय कर रहे थे समुद्र में जाकर। उसके बाद पिकाचू को पानी में कुछ चीज देखने को मिलता है, जो कि पिकाचू अपने टेल के मदद से उसको देख चेक करता है, जो कि एक पोकेमॉन पिकाचू के टेल में अटक देता है। एंड हमें देखने को मिलता है कि वो पोकेमॉन एक क्लॉन्चर है। कॉर्फिश इंजॉय करते करते यहाँ पे आ जाते हैं क्लॉन से बैटल करने के लिए, और आकर क्लॉन्चर से बैटल करने लगते हैं। ऐसा अपने पोकेडेक्स में क्लॉन्चर के बारे में जानकारी लेता है, जिससे उसको जानने को मिलता है कि क्लॉन्चर एक बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है। और अब ऐस डिसाइड करते हैं कि वो अब क्लॉन्चर को कैच करेगा। ऐस जैसे ही अपने पोकेबॉल को निकलता है क्लॉन्चर को कैच करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे एक फिशिंग रॉड आते हैं और ऐस को रोक लेता है। एंड हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे मिस्टी आ चुकी है। ऐस मिस्टी को देख के चौंक जाती है, लेकिन इधर क्लॉन्चर अटैक करके क्लॉन्चर यहाँ से भाग जाते हैं। पिकाचू मिस्टी को देख के काफी खुश होता है और मिस्टी से मिलता है। उसके बाद मिस्टी के पोकेमॉन और ऐश के पोकेमॉन सभी मस्ती कर रहे होते हैं, और मिस्टी ऐश को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं क्योंकि ऐश अभी वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। ऐश थैंक यू बोलते हैं मिस्टी को, एंड मिस्टी बोलती है कि क्लॉन्चर पोकेमॉन को मैंने भी देखा था और काफी दिन से मैं ट्राई कर रहा था उसको कैच करने के लिए, लेकिन हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उस क्लॉन्चर को कैच करके ही रहूंगी। ऐश बोलते हैं नहीं, वो क्लॉन्चर को मैं कैच करूंगा, क्योंकि कॉर्फिश उससे बैटल करना चाहता है एंड क्लॉन्चर पोकेमॉन काफी कमाल का पोकेमॉन है, उसको मैं कैच करूंगा। जिसके बाद ऐश और मिस्टी के बीच बहस होने लग जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं फिर तो ठीक है, अब एक ही चीज से हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्लॉन्चर को कौन पकड़ेगा। चलो हम दोनों फिशिंग करते हैं, जिसको भी क्लॉन्चर मिलेगा वो क्लॉन्चर को कैच करेगा। उसके बाद मिस्टी अपने फिशिंग रॉड को बाहर निकलती है, ऐश भी अपने फिशिंग रॉड को बाहर निकलता है, जो कि साइलेंट का होता है। मिस्टी ये देखकर पूछती है कि मैंने जो तुम्हें फिशिंग रॉड दिया था उसका क्या हुआ। ऐश बोलता है कि वो देखने में कुछ खास नहीं था, जिससे ऐश मिस्टी को चिढ़ाता है और मिस्टी गुस्सा हो जाती है और चीखने लगती है। उसके बाद दोनों भागते भागते फिशिंग करने चले जाते हैं फिशिंग करने के लिए, और अब ऐश और मिस्टी फिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही देर में ऐश बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, काफी टाइम हो जाते हैं और इसको कुछ भी नहीं मिलता, जिससे काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं, इसको अच्छा नहीं लग रहा था। और इधर हमें टीम रॉकेट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही उदास होते हैं। एंड हमें देखने को मिलता है कि मिस्टी के फिशिंग रॉड में क्लॉन्चर पोकेमॉन फंस गया है। मिस्टी खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लॉन्चर पोकेमॉन जोर से खींचती है और उल्टा मिस्टी पानी में गिर जाता है, और इससे ऐश बहुत ज्यादा हंसने लगता है और मिस्टी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। और अब क्लॉन्चर पोकेमॉन ऐश के फिशिंग रॉड में फंस गया है। ऐश अपने ट्राई करता है, लेकिन ऐश भी पानी में गिर जाता है, जिससे मिस्टी भी हंसने लगती है। ये कौन सा पोकेमॉन है? ए है कॉर्फिश। और अब ऐश और मिस्टी बोलते हैं कि अब क्लॉन्चर को कौन पकड़ेगा। ऐश बोलते हैं कि मैं पकड़ूंगा क्लॉन्चर को, लेकिन तभी क्लॉन्चर ऐश के ऊपर वाटर गन अटैक यूज कर देता है। कॉर्फिश ऐश और मिस्टी को बैटल करने के लिए बोलते हैं, और जो भी बैटल को जीतेगा वो क्लॉन्चर पोकेमॉन को कैच करेगा, जो कि ऐश और मिस्टी को सही लगता है एंड एक क्लॉन्चर भी एग्री कर लेता है। और अब ऐश और मिस्टी पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं बैटल करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे टीम रॉकेट आ जाते हैं और क्लॉन्चर पोकेमॉन को कैच कर लेता है। ये देख के ऐश और मिस्टी चौंक जाते हैं। टीम रॉकेट यहाँ पे डायलॉग बोलता है, लेकिन इसी दौरान कॉर्फिश जाके क्लॉन्चर को छुरा लेता है, और कॉर्फिश और क्लॉन्चर मिलकर क्रैब हैमर यूज करते हैं और टीम को डिफीट कर देता है, और टीम रॉकेट यहाँ पे फेल हो जाते हैं। और अब ऐश और मिस्टी के बीच बैटल कंटिन्यू होता है। मिस्टी अपने पोकेमॉन को भेजती है, जिससे पालीटोर निकल आते हैं। ऐश बोलते हैं पालीटोर एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, तो मुझे कौन सा पोकेमॉन यूज करना चाहिए। पिकाचू मैदान में आते हैं, लेकिन एसलेट करते हैं कॉर्फिश को, जिससे पिकाचू चौंक जाते हैं। और अब ऐश के कॉर्फिश और पालीटोर के बीच बैटल स्टार्ट हो जाते हैं, और इस बैटल का रेफरी पिकाचू बनता है एंड बैटल स्टार्ट हो जाते हैं। ऐश अपने कॉर्फिश को क्रैब हैमर अटैक यूज करने को बोलता है, और मिस्टी अपने पालीटोर को बाउंस अटैक यूज करने को बोलता है, जिससे इस अटैक को डॉच कर लेता है और कॉर्फिश के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे इसके कॉर्फिश को डैमेज पड़ता है। मिस्टी अब अपने पॉलीटोर को फोकस प्लस अटैक यूज करने को बोलती है, और ऐसा अपने कॉर्फिश को मेटल कोल अटैक यूज करने को बोलता है, जिससे कॉर्फिश फोकस प्लस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा बोलते बहुत अच्छा कॉर्फिश, अब एक्वाजेट अटैक यूज करो। और इधर मिस्टी अपने पॉलीटोर को हाइड्रोपैम अटैक यूज करने को बोलता है। ऐसा बोलते कॉर्फिश तुम अपने फुल पावर के साथ एक्वाजेट अटैक यूज करो। कॉर्फिश हाइड्रोपैम अटैक का डॉच करते हुए सीधा जाके पॉलीटोर के ऊपर एक्वाजेट अटैक यूज कर देता है, जिससे पॉलीटोर को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और पॉलीटोर को नीचे गिर जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर ऐसा अपने कॉर्फिश को क्रैब हैमर अटैक यूज करने को बोलता है, जो कि कॉर्फिश फुल पावर के साथ अटैक कर देता है पॉलीटोर के ऊपर, जिससे ग्राउंड में बहुत ज्यादा धमाका होता है एंड सब लोग चौंक जाते हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि पॉलीटोर पोकेमॉन कॉर्फिश के अटैक को पूरी तरह से रोक लिया है। और अब मिस्टी बोलते हैं पॉलीटोर को मेगा पंच अटैक यूज करो, जो कि कॉर्फिश के ऊपर लग जाते हैं एंड कॉर्फिश एक ही अटैक में हार जाते हैं। यहाँ पे कॉर्फिश बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। ऐसा बोलते कोई बात नहीं कॉर्फिश, तुमने बहुत अच्छा कोशिश किया। और इधर मिस्टी क्लॉन्चर पोकेमॉन को कैच कर लेती है और बहुत ही खुश होती है, लेकिन तभी क्लॉन्चर पोकेमॉन से बाहर आ जाते हैं एंड आकर कॉर्फिश को ट्रेनिंग देने लगते हैं, जिससे कॉर्फिश भी ट्रेनिंग करने लगता है। और यहाँ पे मिस्टी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है कि क्लॉन्चर पोकेमॉन को मैंने कैच किया है और क्लॉन्चर पोकेमॉन यहाँ पे ना हो कॉर्फिश को जाकर ट्रेनिंग दे रहा है। मिस्टी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन तभी हमें ऊपर से देखने को मिलता है कि लैटियास, जो कि ऐश को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है और अभी भी ऐश को फॉलो कर रहा है। एंड हमें उसके बाद शाम का सीन देखने को मिलता है, जो कि ऐश और पिकाचू अपने जर्नी को कंटिन्यू कर चुका है और ऐश और पिकाचू कोई फॉलो कर रहा है। ऐश बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहीं पे हो। तभी मिस्टी वहां से बाहर आती है। ऐश बोलते हैं कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो। मिस्टी बोलती है कि क्लॉन्चर और कॉर्फिश बहुत अच्छे दोस्त बन
बन गए हैं, इसलिए मुझे लगती है कि तुम्हारे साथ सफर करना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ सफर नहीं करती। आज बोलते चलो पिकाचू हमें चलना चाहिए, लेकिन पिकाचू तभी मिस्टी के पास चले जाते हैं। आज बोलते ठीक है तुम मेरे साथ सफर कर सकते हो, जिससे मिस्टी खुश हो जाती है और ऐश के साथ सफर करने लगती है। और इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाते हैं।